और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, 26 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। रेवाड़ी का मामला, पड़ोस के युवकों ने ही दिया वारदात को अंजाम। घर के बाहर टहलते समय इस युवक की हत्या की गई। 26 वर्षीय युवक चाकू से गोदकर हत्या की गई 6 महीने पहले पड़ोस की लड़की से। इस युवक ने लव मैरिज की थी और मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। हरियाणा में एक और हत्या का मामला, लगातार क्राइम में बढ़ोतरी, इससे जुड़ी खबरें लगातार हर दिन सामने आ रही हैं। और अब रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां पर एक 26 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, युवक के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात, 6 महीने पहले इस युवक ने पड़ोस की लड़की से लव मैरिज की थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या है पूरा मामला? रेवाड़ी के इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला युवक था। 26 वर्षीय युवक बीती देर शाम अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी मोहल्ले के कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युवक ने, मृतक जो युवक था, उसने 6 माह पूर्व अपनी एक मोहल्ले की युवती से प्रेम विवाह किया था। इसी को लेकर ये जो है इन दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते तो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने इसकी शिकायत दे दी है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी जी सुरेंद्र, जिस लड़की से युवक ने शादी की, क्या उसके ही घर वालों ने ये काम किया या उस लड़की का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था? अगर बात करें, अभी तो मोहल्ले के कुछ युवक हैं, उसके परिवार के सदस्य नहीं बताए जा रहे, लेकिन मोहल्ले के ये युवक है और शादी को लेकर ये नाराज चल रहे थे। इसी बात को लेकर जो है युवक की हत्या की गई है। अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पूरी मामला पर सामने आ पाएगा कि आखिर क्या, कौन कौन लोग इसमें जी शामिल थे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और इसी खबर के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोई ऐसा दिन नहीं जब हरियाणा में हत्या की खबरें ना आए और इस तरीके की वारदातें ना हों, और लगातार क्राइम में बढ़ोतरी, बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा होता है।